Hello, my dear students. This is Dr. Hina Davar, and I hope you all are fine and doing great. I hope कि कल आपका होली का फेस्टिवल काफी अच्छा रहा होगा, काफी कलरफुल होली सेलिब्रेट की होगी आप सभी ने. तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या एज है फॉर अप्लाइंग इन नेट एंड इन फॉर JRF. यानी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि एज लिमिट है 30 या 31, 35 या फिर 36. उसी कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ. तो आपको पता ही होगा कि नेट के लिए, पहली चीज, नेट के लिए देयर इज नो एज लिमिट. यानी कि आप कभी भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में, और नेट का सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड भी रहता है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू कि JRF के लिए क्या एज लिमिट है. अगर फॉर अ मिनट आप भूल जाइए कि दिसंबर 2021 का एग्जाम हुआ था, उससे पहले आपका एज लिमिट था 30 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड मेल कैंडिडेट्स. अगर आप विमेन हैं, SC ST कैटेगरी से थे या हैं, OBC कैटेगरी, PWD कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था, दैट इज 35 ईयर्स. लेकिन कोविड के लॉकडाउन की वजह से जब ये दोनों बैचेस को मर्ज किया गया था, दैट इज दिसंबर 2020 एंड जून 2021, उस रीजन की वजह से, बैचेस मर्ज होने की वजह से, ड्यू टू पैंडेमिक 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिला था दिसंबर 2021 वाली साइकिल में. यानी जो आपका दिसंबर 2021 में नेट JRF का एग्जाम हुआ था, वहां पे जो पहले 30 एज लिमिट था वो हो गया था 31 फॉर मेल्स एंड जनरल कैटेगरी, एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 36 फ्रॉम 35 36 कर दिया गया था विमेन, SC ST कैटेगरी, PWD, OBC एंड ट्रांसजेंडर प्लस आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए. यानी कि ये सिर्फ आपका 2021 वाली साइकिल में हुआ था. अब देखते हैं इस बार क्या होने वाला है. थैंक यू.